आज इतना ज़्यादा खा गए कि पेट भी आज दर्द देगा, पता नहीं चलेगा। सूरत यहाँ से लगेगा जब यह सनसेट होगा। थे हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, मेरा नाम प्रभात है, स्वागत है मेरा फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। और देख सकते हैं एकदम मस्त एकदम जंगल में है। अभी जा रहे थे तिलैया, यार हमारा छोटा सा बाइक स्प्लेंडर, बाकी यहाँ का खूबसूरती दिखाने के लिए आप लोग को रुक गए। जंगल है पूरा भयानक, और आप लोग देख सकते हैं एकदम सुनसान इलाका है और कोई अभी है नहीं यहाँ पे। और पतझड़ का मौसम आ गया है, जिसकी वजह से पत्ता वगैरह सब पूरा गिरना शुरू हो गया है। गर्मी का टाइम आ गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पत्ता गिरा हुआ है। कुछ दिन में यह पूरा कंप्लीट भर जाएगा, पूरा हरियाली गायब हो जाएगा जंगल से। तो फिर देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब लगेगा, लेकिन क्या ही बोले अब, चलिए जैसा भी लगेगा, बट जंगल है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहता है। पतझड़ आएगा, फिर पत्ता आएगा, फिर नया आएगा। जब तक पुराने जाएंगे नहीं, तब तक नए आएंगे कैसे? तो यही है जिंदगी का सीख। तो बाकी चलिए बने रहिए वीडियो में, चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ, और आप लोग को दिखाएंगे हम अपना गांव ग्राम का व्यू, नज़ारा, सारा चीज़। बाकी सरस्वती पूजा में इतना ही ज़्यादा डांस हो गया कि एकदम हालत ख़राब हो गया, तबीयत अभी भी हल्का हल्का पूरा डाउन है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी निकल रहे हैं अकेले धीरे धीरे, तो चलते चलते कुछ देर मन किया कि रुक लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तिलैया हमारे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर हो जाता है, तो गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, चलिए फिर मिलते हैं डायरेक्ट आप लोग से घर में। आप लोग देख सकते हैं रोड का काम चालू है, बाकी यहाँ से ये हमारा सामने रहा भट्टा, और इसके बगल में जो है पूरा कंप्लीट इस तरह का नज़ारा बन रहा है। तो चलिए बहुत इंतजार के बाद हम लोग का करीब करीब रोड बनकर रेडी हो रहा है। बाकी हम लोग देख कर अभी जा रहे हैं, ठीक ठाक है। बाकी तिलैया साथे टाइम अब थोड़ा कम समय लगेगा, देख सकते हैं पूरा काम चल रहा है पूरा जोरदार तरीके से। बाकी और अभी चलेगा कुछ दिन तक काम, पूरा कंप्लीट बनेगा यहाँ से लेकर एकदम पूरा कंप्लीट बेंदी तक। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और देखते हैं, एक और हम लोग का छोटा सा काम चल रहा है, वो चालू है बंद है क्या है, अभी आप लोग को दिखाते हैं। और गाइस फाइनली घूमते घूमते आ गए हैं हम लोग, देख सकते हैं इधर खेत पे, उधर सब लोग मस्ती कर रहा है थोड़ा, और सब लोग मटर खा रहा है। बाकी यह देखिए सामने रहा घर, और इधर है मटर का पूरा खेत लगा, आप लोगों को दिखाते हैं। यह देखिए बाकी राहुल लाल है, देख सकते हैं इधर जुलूस में पूरा नाचा है गर्दा उड़ा के, बहुत एंजॉय किया। चलिए थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, शाम का समय हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का नजारा दिखा देते हैं। यह देखिए सब आदमी काम धंधा छोड़ के देख रहा है जेसीबी की खुदाई, अभी तक इधर गांव ग्राम में जहाँ जेसीबी काम लगता है सब आदमी देखिए देखने के लिए आ जाते हैं। बाकी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है सब, गेहूं वगैरह का खेत उत पहाड़ वहाड़ सारा चीज़ आप लोगों को लग रहा है इस तरह देखने के लिए। शाम का समय हो रहा है और धीरे धीरे और मस्त लग रहा है देखने में। जब से आए हैं तब से सिर्फ मटर ही मटर खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खा गए आज, आज इतना ज़्यादा खा गए हैं कि पेट भी आज दर्द देगा, पता नहीं जो भी होगा, बट मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि इसका सीजन है अभी। ये सब मिलेगा हम लोग को गांव देहात में, टाउन सिटी में तो मिलेगा नहीं बिना पैसा लगा के। इधर फ्री फ्री में अपना आइए खेत पर और खा के चले जाइए, देख सकते हैं क्या खूबसूरत हरियाली है पूरा एकदम भयानक है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं कुछ कुछ, और इधर से निकलेंगे और भी कुछ उधर काम वगैरह देखना है, और उसके बाद और भी थोड़ा सा शाम का थोड़ा सा सनसेट आप लोग को यहाँ से दिखा देंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ से लगेगा जब यह सनसेट होगा। तो चलिए जल्दी से खाते उठते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोग सनसेट।
और गाइस फाइनली बहुत मटर खा गए, अब चलिए अब चलते हैं इधर। गाइस यहाँ पे दो तीन को बच्चा खा रहा है, चलिए उन लोग को डराने की कोशिश करते, देखते हैं लोग डरता है क्या करता है। कौन कौन मटर खा रहा है बाबू, कौन कौन मटर खा रहा है? तुम लोग मटर खा रहा है? मटर खा रहा है तुम लोग? हाँ मटर खा रहा है, मटर खा रहा है, मटर खा रहा है तुम लोग, मटर खा रहा है। चलो बोलो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो जल्दी। हाँ वीडियो को लाइक करो, चलो ठीक, बाय बाय। तो गाइस देख सकते हैं लोग सब्सक्राइब ठीक से नहीं बोल पा रहा है, सब्सक्राइब करो बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस छोटा छोटा बच्चा है, लोग थोड़ा मस्ती वगैरह कर रहे थे, बाकी चलिए हम इधर से चलते हैं। और गाइस फाइनली इधर जब तक हम लोग मटर खा रहे थे, क्या बोले देखिए इन लोग को हम बोले थे क्या मुर्गा लाने के लिए, एक देसी मुर्गा भी हम लोग बना कर खाते। अब देखिए यहाँ पे ला के इन लोग दिया है भगा, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि किधर है और हम लोग पकड़ के कोशिश करते हैं पकड़ने की, देखते पकड़ाता है नहीं पकड़ाता है। ये देखिए बाकी एक आदमी वहां बैठ के वहां बहस कर रहा है, बाकी लोग दिया भगा के भगा है मुर्गा, कौन था ये? और गाइस फाइनली देखिए ये लड़का जो है सो मुर्गा दिया है हम लोग को भगा, इसको लाने के लिए बोले थे पकड़ के लेकर आ रहा था, यहाँ लाके पता नहीं इसको क्या हुआ और दिया ही भगा। चलिए देखते हैं किधर है यह। अरे भाई अंदर आप देखे कितना ज्यादा इधर अंधेरा है, वही है तीन रुपये तो गाइस फाइनली मिल गया हम लोग को मुर्गा, देखिए इसमें इन लोग ढुका दिया था, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हम लोग देहाती चिकन और खाते हैं आज, आज थोड़ा मजा आ जाएगा हम लोग को। तो चलिए यार हम लोग का मेन सामान देहाती चिकन पार्टी। और गाइस फाइनली एकदम सनसेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम खूबसूरत नजारा, आप लोग को बढ़िया से एकदम दिखाते हैं। आज फाइनली हो गया है शाम का समय, आप लोग देख सकते हैं इधर सनसेट हो चुका है, बाकी इस तरह का खूबसूरत नजारा है और अब हो गया है शाम, अब निकले हैं घर की तरफ। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए ब्लॉगर है तो थोड़ा सा देखिए, बाकी गाँव का पूरा वीडियो दिखाते हैं आप लोग को, तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय जय झारखंड।